हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज आप मेरे साथ बॉटनेक ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखने वाले हैं, जिसकी कटिंग हमने अपने पिछले वीडियो में की थी, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अस्तर वाला ब्लाउज़ था, अस्तर के साथ में हमने अटैच कर लिया, साथ ही जो डार्ट थी उस पर भी एक एक सिलाई चला ली। अब ये जो सारी डार्ट है ये हमें लगानी है, और उसके साथ में अटैच करना है बेल्ट को। तो बेल्ट को मैंने आधा इंच सिलाई लगाकर फोल्ड कर लिया है। ये जो डार्ट है उसको आप फोल्ड कर दें या थोड़ा सा कट कर दें। बेल्ट जोड़ने में हमें दो सिलाई लगानी है, दोनों हिस्से इसी तरह से हमें तैयार करने हैं। और उसके बाद ये जो डार्ट है इसको आप देख लें, मैच कर लें, और उसके बाद हम लगाएंगे हुक पट्टी। तो ये जो हुक पट्टी है राइट हैंड में लगा रही हूँ मैं, दूसरी साइड में होगी हमारी आई पट्टी। तो ये दोनों पट्टियाँ ले ली है मैंने, ब्लाउज पीस की और अस्तर की, और इसको अटैच नहीं किया है, अलग अलग ही रखा है। अटैच करने से क्या होता है, सलवट आती है। और इस पर दो सिलाई चला ली है। अब इसको नाप लें, गले की तरफ अगर एक्स्ट्रा हो तो कटिंग कर लें। अब पीछे वाला हिस्सा हमने गला ड्रॉ किया हुआ था, तो वहाँ पर मैंने सिलाई चला ली है, और अब सिलाई के बिल्कुल पास पास में इसका गला जो है वो कटिंग कर लेंगे। अब इसके शोल्डर जोड़ लेंगे हम। पाइपिंग के लिए 1 इंच की मैंने उरे पट्टी ली है, और अब इस ओरे पट्टी को आपको खींचते हुए लगाना है। और जहां हमारा कोना है वहां पर आप इस पट्टी को नहीं खींचे, हल्का छोड़ दें, उसको लूज कर लें। उसके बाद जहाँ से हमारी गोलाई वापस शुरू हो जाती है वहाँ पर इसको वापस खींच लें। देखिए इस पट्टी को थोड़ा सा नाखून से इस तरह से प्रेस कर लें। अब देखिए मैं कुछ इस तरह से लगाती हूँ पाइपिंग, तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है, और जितनी पाइपिंग हमें चाहिए उस हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। लेकिन ये जो सिलाई है ये लगानी है हमें मशीन को मोटा करके, यानी कच्ची सिलाई। अब थोड़ी थोड़ी दूरी पर फोल्ड करते जाएं और देखते जाएं नीचे पाइपिंग कितनी आ रही है। बीच में जो था कोना वहाँ पर कट जरूर लगा लें।
तो ये देखिए ये हमारी पाइपिंग लग जाएगी। अब हमें लगानी है पक्की सिलाई, जो कि बिल्कुल कॉर्नर पर लगाएंगे हम पाइपिंग के, और पहली वाली जो सिलाई है वो हम हटा लेंगे। तो ये हमारी पाइपिंग रेडी हो जाएगी, और ये जो पहले ही सिलाई है इसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए मैंने एक हार्ट शेप कटिंग किया है 2.5 इंच में, और ये इस तरफ भी है 2.5 इंच, तो उसे मैं बुकरम कटिंग करूँगी। और इसको चिपका लेना है अस्तर वाले कपड़े के साथ में। अब आगे की तरफ लगाया मैंने राइट हैंड साइड में। और इसको अंदर से 1.25 इंच की दूरी से कटिंग कर लेंगे। और साथ ही लगा देंगे कट, ताकि ये फोल्ड हो जाए आसानी से। और इस पर लगा देंगे हम एक लेस। अब हमें स्लीव जोड़नी है, तो पहले देख लें साइड वाले दोनों हिस्से जो है वो बराबर होने चाहिए, ताकि फिटिंग सही आए। स्लीव को मैंने अस्तर के साथ में अटैच कर लिया है। पीछे के लिए डार्ट पे जो है एक सिलाई चलाएं पहले। अब फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हम 1 इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ इसी तरह से लगाने के बाद में अब हमें अपनी कमर नापनी है। तो ये देखिए ये हमारी कमर अभी हमारे पास है 33, जबकि हमारी कमर थी 30, और 1 इंच पट्टी वाला मार्जिन यानी 31 हमें बनाना है। और इसी तरह स्लीव 12 इंच है, लेकिन वर्क अगर हो और पाइपिंग लगी हो तो आप हल्का सा उसको लूज रखें। और ये एक दो सिलाई और चला लें, और साइड वाली जो चीज़ है वो फोल्ड कर लें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।